वेलकम प्यारे बच्चों, मेरा अज दा टॉपिक है प्रोनाउंस। एह ओ शब्द हन जो किसे नाउन यानी कि किसे दे नाम दी जगह ते वरते जांदे हन। एस दियां कुछ एग्जांपल्स है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। प्रोनाउंस भी ओही काम करते ने जो नाउंस करते ने, जिवें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दा। अज आप जो प्रोनाउंस डिस्कस करन जा रहे हाँ, ये सारे ही प्रोनाउंस सब्जेक्ट दा काम करते हैं। सब्जेक्ट मतलब करता, जो किसी काम नो करन वाला होंदा है। फर्स्ट है आई, आई मतलब मैं, आई एम अ टीचर। इत्थे मैं यही दस रही हाँ कि मैं एक टीचर हाँ, आई मतलब मैं। सेकंड वी, बच्चों इनू वी नहीं प्रोनाउंस करना, इनू वी डब्ल्यू ई वी प्रोनाउंस करना है। वी मतलब असी, वी आर इंडियंस। इस सेंटेंस विच आपां ये दस रहे हाँ कि असी इंडिया दे नागरिक हाँ। थर्ड है यू, यू मतलब तुसी, यू आर अ गर्ल। इस सेंटेंस दे विच आपां दस रहे हाँ कि तुसी एक लड़की हो। हुण तक आपां तीन वर्ड्स सीखे, आई, वी, यू। ये तीनों ही वर्ड्स आपां किसे लई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वह मेल है चाहे फीमेल। फोर्थ वर्ड है ही, मतलब ओ लड़का। जदों आपां किसे लड़के दी, भरा दी या पापा दी गल करनी हुंदी है, उस टाइम ते आपां ही यूज करांगे। ही इज माई ब्रदर। इस सेंटेंस दे विच आपां दस रहे हाँ कि ओ लड़का मेरा भरा है। फिफ्थ वर्ड है शी, मतलब ओ लड़की। जदों आपां किसे लड़की बारे दसना होए कि ओह कौन है, उस टाइम ते आपां शी यूज करांगे। शी इज माई मदर। इस सेंटेंस दे विच आपां दस रहे हाँ कि ओह लेडी मेरी मदर है। सिक्स्थ वर्ड है इट, इट मतलब एह। जदों आपां किसे बेजान चीज़ दी गल करदे हाँ, उस टाइम ते इट लगाने हाँ। इट इज मेड ऑफ वुड। किसे टेबल या चेयर दी तरफ इशारा करके आपां कह सकते हाँ। जदों आपां कहने हाँ इट इज मेड ऑफ वुड, इहदा मतलब है कि यह मेज या कुर्सी लकड़ दी बनी हुई है। लास्ट वर्ड है दे, दे मतलब ओ। जदों आपां ज़्यादा जने दी गल करनी होए, उस टाइम ते आपां यूज करांगे दे, जिवें कि दे आर माई फ्रेंड्स। इस सेंटेंस दे विच आपां दस रहे हाँ कि ओ मेरे फ्रेंड्स हन। दे वर्ड हमेशा प्लूरल नाउन दे नाल ही यूज हुंदा है, जिवें फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तां ही आपां उरे दे यूज कीता। प्यारे बच्चों, एक गल हमेशा याद रखनी है कि ही अते शी ए दोनों सिंगुलर नाउन दे नाल यूज हुंदे ने, और दे हमेशा प्लूरल नाउन दे नाल ही यूज हुंदा है। आई होप तुहानू प्रोनाउंस चंगी तरह समझ आ गए होंगे, तां चलो आओ प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट सेंटेंस है डैश ऑफन री अंटिल लेट एट नाइट। सेकंड डैश इज रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। थर्ड डैश इज फ्रॉम मुंबई। फोर्थ have dash got a dog, and the last sentence is are dash friends or not। mere dwara samjhaye hoye har rule nu har gall nu
ध्यान नाल समझो अते इन्हां पंज सेंटेंसेस दे आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स दे विच रिप्लाई करो। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।